नहीं नहीं, मैं तो देवसु में सबको जानता हूँ, सदाशिव नाम का तो कोई भी नहीं है। याद करो बाजी प्लीज, कोई तो होगा, भले दो तीन साल में मरी क्यों ना गया, बस सदाशिव नाम उसका, प्लीज याद करो। अरे अरे, इतना उतावलापन, कुछ खास काम था क्या उस आदमी से? अरे देवा, ये सेठ जी क्या कर रही है? I'm sorry बाजी, ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। ठीक है, अगर तुम अभी नहीं बता सकती तो ठीक है। सदाशिव के बारे में मैं गांव में बड़े बूढ़ों से जानकारी प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा, और जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा तुम्हें सीमा के पास आके बता दूंगा, लेकिन अभी तुम देवसु से जाओ। जाओ देवसु से, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मुझे जब तक सदाशिव नहीं मिलेगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे ये मजाक की बात नहीं है, किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं किसी से नहीं डरती, जब तक सदाशिव नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वाह ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा, जब तक तुम यहाँ देवसु गांव में हो तुम इस कुटिया से बाहर कहीं नहीं जाओगी, समझी? ठीक है, देती हूँ वचन, लेकिन एक वचन तुम्हें भी देना होगा। क्या? यही, इस बार मैं पकड़ी गई तो मेरे हिस्से का दंड तुम नहीं लोगे। दो वचन? सब कर दिया तेरे नाम। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। दिखाओ। बाजी की कुटिया, ये अच्छी जगह होगी। देवी चुप जा। कैसे सो सकता है कोई ऐसे घास फूस पे? आई मिस माई बेड। अब ये नई मुसीबत कौन है? जीना मुश्किल कर दिया मेरा। किस किस से बचती फिरू रे देवा? एक तो ये घर वाले, अभी जाके ये पहरेदार। क्या करूं खुद समझ नहीं आ रहा। देखती हूं कहे कि नहीं। सो
औरत को तो मैंने दरबार में देखा था, ये तो दिवसु की ही है, तो छिप क्यों रही है पहरेदारों से, इतना क्यों डर रही है? आवाज आ रही थी सीमा पार से, इसलिए आपको बुलाया, पर हम दोनों ने जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। लगता है कोई फिर से हमारे गांव की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा है। खैर, तुम्हारी पाली समाप्त हुई, तुम जाओ, थोड़ा आराम कर लो, यहां मैं संभालता हूं। ये आवाज तो बाजी की कुटिया से आई, कहीं फिर से? लेकिन बाजी तो दरवाजा खींच के आया था, फिर ये खुल कैसे गया? चारों तरफ सिर्फ भूसा पड़ा है, ना जाने बाजी को अपनी कुटिया से इतना प्रेम क्यों है। बाजी, ओ बाजी, दादा आप भी सोते हुए को देखना अपशगुन होता है, पता है ना? हाँ पता है, लेकिन यूँ सोते हुए शत्रु के सपने देखना मूर्खता होती है, पता है ना? शत्रु के सपने? मैं कुछ समझा नहीं दादा। लेकिन मैं सब समझ गया हूँ, ये जो तू नींद में मुस्कुरा रहा था ना, अब सब समझ में आ गया है मेरे। मतलब? रात को पहरेदारी के समय तेरी कुटिया में गया था मैं। हे देवा, राघू जी दादा ने प्रगति को देख लिया। अभी देख तो, तुम्हारी माँ उड़ गई है, अब तक सो रही है। बाबा माँ कब की उठ गई है, वो इंग्लिश न्यूज देख रही है। अब्बा, नहीं के सर पे इंग्लिश का भूत कहां से आ गया? अपनी भाषा तो ठीक से बोल नहीं पाती, इंग्लिश स्पीक नहीं। ये पीठ पीछे टॉक करना अच्छी बात नहीं। तुम पहले ये इंग्लिश बोलना बंद करो। अरे क्यों बंद करो? माँ बाबा शांत हो जाओ, आज सुबह सुबह चालू हो जाते हो। माँ बाबा कल रात के थके हुए हैं, रहने दो ना। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, वो कल रात जो एक लड़की आई थी, अभी तक सो रही है या उठ गई? मुझे क्या पता। आई गो बाजी, मैं देवसु के सेठ जी के नाते नहीं, बल्कि देवसु की अहिल्या विनायक राव के नाते अपने तीसरे बेटे बाजीराव का हाथ वैद्य जी की भांजी संध्या के हाथ में देती। मेरा बाजी, मेरा मान कभी नहीं तोड़ेगा।